हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मोइजिन चैनल में। आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 51 के बारे में। अभी तक आपने अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जो कि आई बटन पे एज इट इज आपको मिल जाते हैं, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। साथ ही साथ ये एपिसोड पूरा देखो और आपका फेवरेट मोमेंट आप कमेंट डाउन भी कर दो। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 51। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर गोकू अभी पहुँच रहा है एक सन के अंदर, जहाँ उसे अपने शिप का कोर्स चेंज करना है, जहाँ वो कामेहामेहा टेक्निक यूज करता है और शिप का कोर्स आखिरकार चेंज कर देता है। इधर वेजिटा एक नेमेकियन गांव में पहुँच चुका है, जहाँ पर वो एल्डर से मिलता है, लेकिन तभी वो एल्डर को मारने की कोशिश करता है तो उसके सामने बाकी लोग आ जाते हैं, जहाँ पर वो बाकी लोगों को ही मारने लगता है। और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत भी होती है। अब हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि गांव में उतर चुका है और एक एक करके सारे नेमेकियन को मारने लग रहा है। तभी ये सारे नेमेकियन उसे घेर रहे हैं और यहाँ पर वेजिटा जोर जोर से हंसते जा रहा है, जहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, मुझे घेर लो, लेकिन तुम्हें तो अभी मरना ही होगा। जहाँ पर ये सारे लोग घिरने के बाद हम देखते हैं इधर बुलमा को, जो कि एक्चुअल में केक लेके आती है क्रिलिन के लिए, जहाँ वो उसे खिलाने वाली होती है। तभी वो देखता है कि भाई यहाँ पर क्रिलिन और गुहान जो है वो बहुत अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन ये जो नमक वाला लड़का है ये खाता नहीं है। तभी वहाँ पर बुलमा उसे केक फेंक कर मारती है, किसको? क्रिलिन को। जहाँ वो बुलमा उसके ऊपर चिल्लाती है कि क्रिलिन, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है कि हम लोग यहाँ पर कितने देर रुक सकते हैं? क्या सारा काम मैं ही करूंगी, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे? जहाँ पर क्रिलिन कहता है इजी इजी बुलमा, सारा चीजें हम ही कर लेंगे। जहाँ पर गोहान ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा हंसने लगता है। तभी वो देखता है इस नेमेंग बच्चे को, जो कि बहुत ज्यादा उदास है, टेंशन में है और वो खाना भी नहीं खा रहा है। तभी क्रिलिन उसे कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? जहाँ पर ये नेमेक कहता है कि हम लोग खाना नहीं खाते, हम सिर्फ पानी पीते हैं। जहाँ क्रिलिन कहता है कि तुम तो घास फूस उगा रहे थे ना। जहाँ पर ये बच्चा कहता है कि भाई वो अजीसा सीडिंग है, जो कि हमारे एल्डर ने हमें सिखाया है। जहाँ पर एल्डर ने हमें बताया कि आज जैसा प्लेनेट था वैसा नहीं था, ये प्लेनेट काफी सुंदर हुआ करता था, लेकिन एक रात पर तूफान इतना ज्यादा बड़ा हो गया जिससे ये पूरा ही प्लेनेट तबाह हो गया। एक तरह से यहाँ पर कुछ फूलता और खिलता नहीं था और सुंदरता तो इसकी मिटी गई थी। जहाँ इस प्लांट की सुंदरता वापस लाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर एल्डर ने हम सारे लोगों को खेती करना सिखाया, जो कि पेड़ पौधे इधर उधर लग चुके थे, जो कि थोड़े बहुत बचे थे उन्हें हमने ग्रो किया और इस प्लांट को हरा भरा करने की कोशिश की, जहाँ पर इस पेड़ का नाम अजीसा ट्री हमने रखा था। जहाँ हमें यही बताया गया कि ऐसा करने से इस प्लांट की खुशहाली और लोग वापिस आ सकते हैं, जो कि एक ब्लिंक की वजह से मर गए थे। इधर हम देख रहे हैं ये बड़े बड़े नेमेकियन वेजिटा के ऊपर हमला कर रहे हैं, जहाँ पर जोर का ब्लास्ट कर देते हैं ये वेजिटा के ऊपर, जहाँ पर वेजिटा गायब हो जाता है। तो ये लोग देखकर बहुत ज्यादा खुश है कि आखिरकार वेजिटा को इन्हें मार दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनके सामने रहता है एक बड़ा सा पत्थर जो कि ऊपर जाता है, जिसे देखकर ये नेमेकियंस बहुत ज्यादा शॉक में है। जहाँ हम देखते हैं कि उस पत्थर के अंदर और कोई नहीं, वेजिटा है, जो कि पावर गेन करता है और उन सारे पत्थरों को दूर फेंक देता है, जो कि पत्थर सीधा ही इन छोटे बड़े नेमेक्स को लगते हैं, जहाँ वो मर जाते हैं। अब ये बाकी के नेमेक कंटिन्यूअस हमला करने की कोशिश कर रहे हैं वेजिटा के ऊपर, जहाँ वो बड़ा सा ब्लास्ट फेंक देते हैं वेजिटा की तरफ। अब हम इधर देखते हैं कि गोहान कह रहा है कि अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया। जहाँ पर वो कहता है ओ मेरा नाम है डेंडे, और ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें इस प्लैनेट नेमेक पर खींच के लाई है? जहाँ पर क्रिलिन और गोहान उठ खड़े होते हैं, जहाँ वो कह रहा है कि ये जो कुछ भी है ये बहुत ही ज्यादा बैड है। जहाँ ये दोनों ही उठकर भाग के आते हैं बाहर, जहाँ पर ये दोनों आगे देख रहे हैं, जहाँ पर बुलमा पीछे से दौड़ते आती है और कहती है क्या और कुछ आने वाला है हमारे तरफ? जहाँ क्रिलिन कहता है कि नहीं, मुझे बहुत सारी पावर लेवल्स पता लग रही है आगे। जहाँ वो सारी पावर लेवल्स फेड होते जा रही है धीरे धीरे करके। जहाँ पर गोहान कहता है कि बाहर कोई तो है जो कि नेमेकियन को मार रहा है। जहाँ क्रिलिन कहता है कि वो और कोई नहीं है, वो है वेजिटा। जहाँ क्रिलिन कहता है कि उनके पास बचने का भी कोई रास्ता नहीं है, वो मारते जा रहा है डायरेक्टली इन सारे नेमेकियंस को। जहाँ पर बुलमा कहती है कि वो ये बहुत ही ज्यादा हॉरिबल हो रहा है अभी। जहाँ पर क्रिलिन कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग तो है, लेकिन ऊपर से ये भी चीज है कि वो स्काउटर के बिना ही हमारी पावर लेवल को सेंस कर सकता है, इस वजह से हम उसे बचाने भी नहीं जा सकते। अगर उन लोगों को हम बचाने गए तो वो मुझे मार देगा हमारी पावर लेवल सेंस करके ही, यानी कि जब तक गोकू नहीं आता है तब तक हमें यही पर स्टे करना है। और वो जो है वो फ्रीजा के लोगों के साथ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगर उसको ड्रैगन बॉल्स मिल गए तो बहुत ज्यादा बखेड़ा
तक खड़ा हो सकता है, फिर उसके बाद उसे कोई नहीं हरा पाएगा अगर उसने ड्रैगन बॉल लेके इटर्निटी लाइफ मांग ली तो। जहाँ बुलमा कहती है कि हाँ हम लोग उसे हरा नहीं सकते ये तो बात ठीक है, लेकिन हम एक ड्रैगन बॉल तो हासिल कर ही सकते हैं जिस वजह से वो लोग विश ना कर पाए। जहाँ पर गोहान कहता है कि नहीं वो काफी नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने अगर वो ड्रैगन बॉल ले लिया तो वो इस प्लेनेट पर जितने भी सारे नेमेक्स है उन सब लोगों को मार देगा जब तक उन्हें वो लास्ट ड्रैगन बॉल नहीं मिल जाता। जहाँ पर ये जो डेंडे है ये कह रहा है ओ नो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। जहाँ अभी क्रेलिन कह रहा है कि गोको यहाँ पर आ तो जाएगा लेकिन गोको क्या वेजिटा और फ्रीजा को डिफीट कर पाएगा ये हमें पता ही नहीं है क्योंकि उन दोनों की पावर लेवल हमें पता ही नहीं है कि कितनी है। जहाँ पर क्रेलिन को अभी खुद पर ही गुस्सा आता है जहाँ वो कह रहा है कि मेरे पास जब चांस था तब मैंने उसको मार देना चाहिए था। इधर डेंडे आता है और कहता है कि मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आखिरकार तुम लोग कौन हो जो कि इन सारे लोगों के बारे में पहले से जानते हो। जहाँ डेंडे यही कहता है कि प्लीज हमारी हेल्प कर दो ना प्लीज। इधर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि सीधा ही ऊपर से आता है और एक नेमेक को मार देता है। जहाँ अभी वेजिटा ने सारे लोगों को मार दिया है जहाँ पर सिर्फ एल्डर ही बचा है। जहाँ वेजिटा उसे कहता है कि मुझे आखिरकार ड्रैगन बॉल दे दो। जहाँ पर एल्डर कहता है कि कभी नहीं वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा और मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल कभी नहीं दूंगा। जहाँ पर वेजिटा उस बॉल को सेंस कर लेता है। अब वेजिटा आगे बढ़ ही रहा होता है तभी ये एल्डर नेमेक उसका पीछा कर रहा है तो वेजिटा पीछे से सीधा ही उसे मार देता है एक बड़े ब्लास्ट की वजह से। जहाँ वो कहता है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते मुझे स्टॉप करने का। यहाँ उसे ड्रैगन बॉल आखिरकार मिल गया है एक जगह पर जहाँ वो उस ड्रैगन बॉल को लेके तो आता है बाहर लेकिन वो पास ही के नदी में उस ड्रैगन बॉल को फेंक देता है। जहाँ वेजिटा अभी हंसता है ड्रैगन बॉल पानी के अंदर चले गया है। जहाँ वेजिटा यही कह रहा है कि फ्रीजा ने कितना भी ढूंढ लिया कितना भी सेंस कर लिया फिर भी उसे ड्रैगन बॉल तो मिलने से रहा। जहाँ पर वो वहाँ से उड़ जाता है। जहाँ वेजिटा यही कहता है कि 6 ड्रैगन बॉल्स तो अभी मिल गए हैं सिर्फ एक ही बचा है ढूंढने से। जहाँ वो उड़ जाता है उस ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए। इधर अभी हम देखते हैं फ्रीजा के लोगों को जिसमें से एक बंदा कहता है कि भाई डोडोरी अभी तक वापिस ही नहीं आया है। जहाँ पर फ्रीजा कहता है कि उसे छोड़ दो वो सिंपल से छोटे दो नेमेक को भी नहीं मार पाया तो उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, बस तुम अपना सर्च जारी रखो लास्ट ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए जो कि 2 ड्रैगन बॉल बचे हुए हैं अब। जहाँ पर दूसरा बंदा कहता है कि उसके लिए तो हमें पूरा ये प्लेनेट ही ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्काउटर तो है नहीं अभी। जहाँ पर फ्रीजा का राइट हैंड कहता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है हम इसी तरह से पूरे प्लेनेट को सर्च करेंगे और 2 ड्रैगन बॉल लेके आ जाएंगे। जहाँ फ्रीजा कहता है कि ठीक है मैं कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं करता तुम लोगों से, यहाँ पर ड्रैगन बॉल छोड़ दो और तुम लोग जाओ 2 ड्रैगन बॉल ढूंढ के लेके आओ। अब ये दोनों ही ऊपर जाते हैं और अब वो कहता है छोटे वाले फ्रीजा के चेले से कि भाई तुम्हें उस में ढूंढना है और वहाँ पर मिलने के बाद नेमेकियंस लोग मुझे तुम इन्फॉर्म कर दो, उनसे लड़ना नहीं है क्योंकि तुम्हें पता नहीं है उनकी पावर लेवल्स क्या है। तो मुझे इन्फॉर्म कर देना मैं आ जाऊंगा और फिर हम लोग वहाँ पर ड्रैगन बॉल ढूंढ लेंगे, नहीं तो 3 घंटे बाद स्पेसशिप पर तुम मिल जाना। और ऐसा कर ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाते हैं। जहाँ अभी फ्रीजा कह रहा है कि भाई मुझे लग रहा है कि वेजिटा इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा हमारे बीच में जहाँ पर वो ड्रैगन बॉल भी लेने के लिए आ सकता है तो उसको बहुत ज्यादा ट्रबल हो जाएगा, अगर वो वहाँ पर आ गया तो मैं उसे मार दूंगा। जहाँ पर फ्रीजा कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं वो आ जाएगा तो वो हंट हो जाएगा तो उसे अगर बचना होगा तो वो मेरे पास नहीं आएगा। अब फ्रीजा कहता है कि वेजिटा को पता ही नहीं है कि वो किसके अंदर घुसा चला जा रहा है। अब ये फ्रीजा जो है ये ड्रैगन बॉल ऊपर उठाता है जो कि अपने आंखों की बदौलत ही उठाता है और वहां से उड़ जाता है स्पेसशिप की तरफ। इधर क्रेलिन बताता है कि कामे ने हमें कहा था कि नेमेक प्लैनेट पर और ड्रैगन बॉल मिलेंगे जिससे हम लोग कामे को जिंदा कर सकते हैं और कामे वहां पर ड्रैगन बॉल जिंदा करके हमारे फ्रेंड्स को ला सकता है यानी फिर से जिंदा कर सकता है, इस वजह से हम लोग इस प्लेनेट पर आए हुए हैं। जहाँ पर डेंडे कहता है कि ठीक है तुम्हारी दुनिया को भी इन्हीं लोगों ने तबाह किया है। जहाँ उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। जहाँ पर डेंडे कह रहा है कि ठीक है फिर तो हमें तो इनसे लड़ना ही होगा, इनसे बदला लेना ही होगा, इन्हें रोकना ही होगा, तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। हमारे पास है ग्रैंड एल्डर जो कि हमारे पिता कहे जाते हैं। जहाँ पर ये लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे वो कैसे क्या बचा सकता है। जहाँ पर ये डेंडे कहता है कि वो फादर ऑफ ऑल नेमेक है, जहाँ पर उस ग्रैंड एल्डर ने ही हमें जन्म दिया है और वही नेमेक था जो कि बच गया था इस पूरे स्टॉर्म के आने के बाद भी। जहाँ पर उन्होंने हमें जन्म दिया जहाँ वो हमारे फादर है 108 बच्चों के, जिस वजह से प्लेनेट बहुत जल्दी ग्रो कर सका। जहाँ पर बुलमा पूछती है कि कैसे क्या उन्होंने कैसे क्या पैदा कर दिया, वो अकेले ही थे क्या। जहाँ पर डेंडे कहता है कि ऐसे कैसे उन्होंने सिंपली अपने मुंह से एक अंडा निकाला और हम लोग पैदा होते गए। जहाँ बुलमा को लगता है कि वो फीमेल नहीं मेल होगा। जहाँ पर डेंडे को ये बात पता ही नहीं है कि फीमेल चीज क्या होती है। जहाँ बुलमा कहती है कि बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं जहाँ पर मेल और फीमेल होते हैं। जहाँ मेल और
फीमेल ये है कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहने क्या डिफरेंट टाइप्स। जहाँ डेंडे कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता हमारे इसमें। बुलमा कहती है क्रिलिन को कि भाई यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज तो है लेकिन यहाँ पर डिफरेंट लोग नहीं है, सिर्फ एक ही तरह के लोग है। अच्छा हुआ मैं नेमेकियन नहीं हूँ। जहाँ क्रिलिन कहता है कि ठीक है एल्डर के पास तुम लेके जा सकते हो, जहाँ पर डेंडे कहता है कि हाँ मैं लेके जा सकता हूँ लेकिन हमें जल्दी चलना होगा क्योंकि 5 ड्रैगन बॉल उनके पास ऑलरेडी है और अगर उन लोगों ने अगले विलेज पर अटैक कर दिया होगा तो उन्हें वो भी ड्रैगन बॉल मिल जाएगा। जहाँ अभी तुम कह रहे हो कि इसके अगले वाले विलेज पर हमला हो गया है तो वो हिसाब से सिर्फ वो एल्डर को ही ढूंढना बचे है तो वो जल्द ही उनको ढूंढ लेंगे, तो उससे पहले हमें ढूंढना होगा। क्रिलिन कहता है कि सॉरी किड ये सारे लोग मर चुके हैं क्योंकि हम पावर लेवल कुछ सेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ गोहान भी कहता है कि मुझे भी कोई पावर लेवल महसूस नहीं होती है। जहाँ डेंडे रो रहा है और कह रहा है कि ठीक है अगर वो लोग मर गए होंगे तो हम लोग कुछ ही लोग बचे होंगे इस पूरे प्लेनेट पर। जहाँ क्रिलिन कहता है कि रुको एक मिनट जरा, अगर 5 ड्रैगन बॉल उनके पास थे, एक ड्रैगन बॉल और मिल चुका है, अब सिर्फ ये ग्रैंड एल्डर का ही ड्रैगन बॉल बचा हुआ है। जहाँ डेंडे कहता है कि हाँ सही कह रहे हो। जहाँ अभी क्रिलिन कहता है कि ठीक है लेकिन फ्रीजा के लोग उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे लेकिन उसके पहले वेजिटा ढूंढ लेगा क्योंकि वो पावर लेवल सेंस कर सकता है। जहाँ पर डेंडे को ये बात समझ में आती है और वो कहता है क्रिलिन को कि प्लीज हमारी हेल्प कर दो, हमें बचा लो। जहाँ गोहान कहता है कि ठीक है ये रिस्की तो है लेकिन अगर फ्रीजा या फिर वेजिटा को ये ड्रैगन बॉल मिल गए तो उससे भी ज्यादा खतरा हो सकता है। जहाँ क्रिलिन कहता है डेंडे से कि ठीक है हम लोग चलते हैं। जहाँ डेंडे अभी खुश है। जहाँ क्रिलिन गोहान से कहता है कि मुझे लगता है कि गोहान तुम्हें यहीं पर रुककर बुलमा की मदद करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। जहाँ क्रिलिन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वेजिटा हमारी दोनों की ही पावर लेवल सेंस कर ले। जहाँ गोहान कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इससे अच्छा हम लोग स्प्लिट ही हो जाते हैं। जहाँ ये दोनों उड़ चले जाते हैं इधर बुलमा और गोहान को रख कर। जहाँ वो कहता है कि एक्स्ट्रा केयरफुल रहना तुम लोग। जहाँ ये लोग भी कहते हैं कि तुम भी रह लेना। ये लोग बाय कहते हैं और ये दोनों उड़ चले जाते हैं। जहाँ अभी उड़ते उड़ते क्रिलिन सोच रहा है कि भाई पहले वेजिटा तो पावरफुल है ही, उसे तो रोकने में नाकामयाब हुई हम लोग, लेकिन अब फ्रीजा भी उससे ज्यादा पावरफुल है तो गोकू इतने ज्यादा इनफ ट्रेनिंग करके आया होगा जो कि फ्रीजा को और वेजिटा को रोक पाएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो एल्डर के पास का ड्रैगन बॉल छुपा सकता हूँ ताकि गोकू आने तक हम लोगों को कुछ टाइम मिल जाए, यहाँ पर कोई मिरेकल ही बचा पाएगा हम लोगों को। क्रिलिन सोच रहा है कि ठीक है लेकिन मैं इस प्लैनेट पर मरना नहीं चाहता क्योंकि अब तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं हुई है। अभी हम देख रहे हैं इधर गोकू को, जहाँ पर गोकू अभी भी प्रैक्टिस किए जा रहा है जो कि थक जाता है और बैठ जाता है। जहाँ पर गोकू उठता है और कहता है कि अभी 30 पर काम करना जारी रखना होगा। जैसे ही गोकू एक कदम आगे डालता है वैसे ही किंग काय उसे आवाज देते है कि गोकू क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। जहाँ पर किंग काय कह रहे है कि ठीक है तुम्हारा सफर कैसे चल रहा है गोकू इस स्पेसशिप के अंदर, मुझे नहीं पता लेकिन तुम शायद से नेमेक प्लेनेट पर ही जा रहे होंगे ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए, है ना। यहाँ पर गोकू कहता है क्या किंग काय तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, अब बहुत सारी चीजें हो चुकी है इसके पहले। रुको गोकू एक मिनट, मैं जो बताना जा रहा हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ किंग काय कहते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं मुझे सरप्राइज करने के लिए जो कि तुम्हें भी कर देंगे, जैसे तुम आए थे ना गोकू स्नेक वेव को पार करके वैसे ये लोग भी आए हैं। जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं एक हिंट देता हूँ, वो 4 लोग है। जहाँ किंग काय कहता है कि वो 4 लोग ना तुम्हारे दोस्त है शायद से, तभी गोकू को समझ में आ जाता है कि ये लोग कौन है। तभी हम देखते हैं यामचा, टियान, चात्सु और पिकलो को। जहाँ किंग काय कहते हैं कि हाँ तुमने सही गेस किया है गोकू। जहाँ गोकू कहता है वाह तुमने तो ये बहुत ज्यादा औसम चीज कर दी किंग काय, जैसे गोकू मैंने तुम्हें ट्रेन किया था ना वैसे ही इन 4 लोगों को मैं ट्रेन करने वाला हूँ। जहाँ पर गोकू कहता है कि ये सारे लोग एकत्रित है वो भी तुम्हारे पास, इससे ज्यादा ग्रेट न्यूज तो कोई हो ही नहीं सकती। जहाँ यामचा कहता है कि मैं क्या हेलो कह सकता हूँ गोकू को, हाँ क्यों नहीं मेरे शोल्डर पे एक हाथ रख दो और बात कर लो गोकू से। जहाँ पर यामचा कहता है कैसे हो गोकू, जहाँ पर गोकू कहता है यामचा। फिर यामचा कहता है कि चेक इन स्टेशन पर आए थे हम, तभी कामे हमें मिला और कामे ने कहा कि यहाँ पर हमें आना चाहिए, जहाँ पर उन्होंने ही हमें इधर भेजा। जहाँ पर किंग काय ने हमें बताया कि भाई तुम लोग जा रहे हो नेमेक प्लैनेट पर ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए और उसके बाद हम लोगों को तुम जिंदा करोगे। जहाँ यामचा कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ग्रेट हो गोकू जो कि मेरे अच्छे दोस्त भी हो। जहाँ गोकू पूछता है कि कौन कौन है तुम्हारे साथ, क्या पिकलो ने ये रास्ता पार कर लिया। जहाँ यामचा कहता है कि हाँ पिकलो भी हमारे साथ है। जहाँ पिकलो कह रहा है कि इन जोकरों के साथ तो मुझे आना ही था क्योंकि मेरे सिवा कौन है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। जहाँ गोकू पूछ रहा है यामचा से क्या कामे भी वहाँ पर है। जहाँ यामचा कहता है कि नहीं वो चेक इन स्टेशन पर ही खड़े है, यहाँ हमारे साथ टियान और चात्सु है। क्या चात्सु? हाँ यामचा कहता है कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा ठीक है, हम स्नेक वेव से आ रहे थे तो उसने हमारी बहुत ज्यादा मदद भी की है। यहाँ पर गोकू कह रहा है कि ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ मैं, तुम
लोगों को अंदाजा नहीं है कि तुमने मेरी कितनी हेल्प की है अभी तक। इधर गोकू को पता चल चुका है कि उसके दोस्त सही सलामत पहुंच चुके हैं किंग काई के पास, और इधर ये जो उसके दूसरे दोस्त है यानी उसका बेटा और क्रिलिन जो कि वेजिटा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो क्या अब इन लोगों को बचा पाएगा और उन लोगों को जिंदा कर पाएगा, यही जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ड्रैगन बॉल का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।